देखिए कितना परफेक्ट बना है हमारा मटन कोरमा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज मैं आपको बता रही हूँ मटन कोरमे की रेसिपी, जिसके लिए हम पहले मटन को अच्छे से गला लेंगे, यानी मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी। आप चाहें तो इसे ग्रेवी में भी गला सकते हैं, मगर ज्यादा टाइम लगेगा और मोस्टली फ्रोजन रहता है मटन, तो इसीलिए हम इसे पहले प्रेशर कुक करेंगे। इसके लिए पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून से भी आप कम डालें, सब थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ताकि गोश्त फीका ना रह जाए। थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। पानी डालेंगे, पानी भी ज़्यादा ना डालें, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी डालना है हमें। 1/4 कप वाटर और 2 टीस्पून ऑयल, बस इसे हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए कोरमे के लिए मैं आपको मसाले बताती हूँ। ये मैंने कोकोनट पाउडर यानी कि खोपरा 4 टेबलस्पून, इसे अच्छे से भून के पीस लिया है। ये हमने 4 टेबलस्पून लिया है। सब मसालों को हमें एक जगह करना है। ये पहली पीनट पाउडर, इसे भी भून के पीस लिया है, ये 2 टेबलस्पून। इसमें ऐड होती है खसखस, चूंकि यहाँ पर खसखस नहीं मिलती, मैंने काजू और बादाम लिए हैं। बादाम का पाउडर लिया है मैंने, 10 से 12 बादाम है ये, और काजू लिए हैं 8। इन सब मसालों को एक जगह रख देंगे। साथ ही एक बड़ा पोटैटो लिया है मैंने, अगर छोटे हैं तो आप 2 लीजिए। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन आपको ऑयल में फ्राई करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हम एंड में ऐड करेंगे। चलिए बनाते हैं मटन कोरमा। देखिए पॉट में मैंने यहाँ पर एक अनियन ले ली है स्मॉल। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, वही ऑयल ऐड कर रही हूँ जो मैंने पोटैटो फ्राई करने के लिए लिया था। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 सिनेमन स्टिक, 3 इलायची और थोड़ा सा शाही जीरा। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। प्याज हल्के से लाइट ब्राउन हो रही है, मैं गैस का फ्लेम और लो करूंगी और इसमें ऐड करूंगी हमारे मसाले। मसालों का सालन का मेन यही होता है, आपको मसालों को अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर आप उसे अच्छे से भूनेंगे, बाद में आप उसे सिम पे पकाएंगे ताकि पूरी रॉ स्मेल चली जाए मसालों की। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऐड करेंगे, गोश्त में भी हमने ऐड किया था। थोड़ी सी टर्मरिक बहुत ही कम डालेंगे इसमें। लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं 1.5 टीस्पून और साथ ही साथ इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ मैं, ग्रीन चिली पेस्ट। ये 5 हरी मिर्च ली थी हमने, उसका पेस्ट बनाया है। सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और बाद में हम इसे टेस्ट करके मिला लेंगे। अब आप इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। अच्छे से मसाला भून चुका है, देखिए पूरा एक जगह हो गया है ये। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, 1 कप वाटर ऐड किया है मैंने और इसे आप मिक्स करेंगे। कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक हो, देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छा तेल आ चुका है, मगर हमें इसे और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। जितना आप भूनेंगे मसालों को उतना अच्छा आपके कोरमे का फ्लेवर आएगा। बस हाई फ्लेम कर दें आप और एक साथ इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहें ताकि ये बेस में चिपके ना। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें मसाले को। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटन, जो हमने 3 विसल के बाद उसे गैस को ऑफ कर दिया था और ये अच्छे से गल चुका है। मटन के साथ जो पानी था हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया है।
चलिए अब इसमें मैं मिक्स करूंगी दही 3 टीस्पून कर रही है, इसे अच्छे से फेंट लिया है मैंने और इसमें हम ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुनेंगे दही के साथ। हाई फ्लेम पे 2 मिनट कुक करेंगे। देखिए अच्छे से तेल आ रहे हैं साइडों से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1.5 ग्लास वाटर ऐड किया हमने। अभी से हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम और फिर लो फ्लेम पे कुक करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी बॉइल्ड पोटैटोस। ये ज्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता, ज्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता, कंसिस्टेंसी एकदम मीडियम होनी चाहिए फुरमे की। ऑलमोस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर मैंने ऐड किया है इसमें। चलिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट, फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट्स और फिर लो फ्लेम पे इसे तेल आने तक। चलिए गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और आप फुल कवर ना करें अभी से थोड़ा सा हटा दें और मीडियम फ्लेम पे 3 to 5 मिनट्स और फिर लो फ्लेम पे कुक करें। ये देखिए लो फ्लेम पे भी ये कुक हो चुका है 10 मिनट। अब हम इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला ऐड करेंगे, 3 हरी मिर्चें ऐड करूंगी मैं बारीक कटी हुई थोक में और थोड़ा सा मिंट लीव्स। लो फ्लेम पे आप उसे छोड़ दें, अच्छे से तेल भी आ जाएगा और गोश्त और आलू भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारा मटन हमने गला लिया था और ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो जाएगी। अभी से 2 मिनट कुक करके मैं लेमन ऐड। अब एंड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे, जस्ट अबाउट 1/2 टीस्पून, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस इसे ऐसे ही दम पे फ्लेम ऑफ रहने दें, 1-2 मिनट ये कुक करके फिर आप इसे डिश आउट करें। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा हैदराबादी मटन कौरमा मसाले वाला, जिसके साथ हमने पोटैटो भी थोड़े ऐड किए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप भी इसी तरह हमारी रेसिपी ट्राई करके बनाएं। साथ में हमने बनाया है इसके साथ बघारा खाना, जो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्बो है ये बघारा खाना और कौरमे का। इसकी रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। शेयर करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।